बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी इस जून के महीने में मुझे मलाका जाने का मौका मिला और दिल में ख्वाहिश थी कि वहाँ जो बड़ी मशहूर मस्जिद है, मस्जिद सलात मलाका, उसको देखा जाए, उसकी उस वहाँ नमाज अदा की जाए। तो ये ख्वाहिश लेके मैं वहाँ पहुँचा एक सुबह नमाज फजर के बाद, और करीब 7 बजे के बाद पहुँचाऊँगा मैं। मस्जिद में दाखिल हुआ और बहुत ख़ूबसूरत मस्जिद है ये, मलाका की सबसे मशहूर मस्जिद है। इसका नाम मलाका स्ट्रीट्स मॉस्क भी है और ये मलाका मलेशिया का एक आइकॉनिक लैंडमार्क भी है। और फिर मस्जिद में दाखिल होने के बाद जो है वज़ू किया मैंने, और फिर सोचा कि नमाज नफल नमाज अदा की जाए। जब मस्जिद का जो लोकेशन है वो एक मैन मेड आइलैंड में है, वो पुलाव मलाका कहलाता है, और चारों तरफ इसके जो है स्ट्रेट्स ऑफ मलाका का वो उसको आप देख सकते हैं, स्ट्रेट्स ऑफ मलाका का पानी आप देख सकते हैं। ये मस्जिद का एंट्री है, यहाँ पे आप देखेंगे बोर्ड में थोड़ी स्क्रीन इन्फॉर्मेशन भी है, और चूँकि ये लोकल इस्लामिक सेंटर भी है तो उस हिसाब से भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। और टूरिस्ट लोग आते हैं, मेरे ख़्याल से अंदर इस हॉल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है टूरिस्ट को, लेकिन चूँकि मैं नमाज अदा करने जा रहा था तो मुझे किसी ने रोका भी नहीं। देखिए बहुत ख़ूबसूरत जो है वो अंदर जो डोम का वहाँ पे जो बना हुआ है नक्काशी, और खिड़कियाँ देखिए जो इसमें जो कलर्स का इस्तेमाल हुआ है, जो लैटिस देखें आप, ये जो है मेहराब है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह पर सब लिखा हुआ है। और फिर आप जब हॉल से दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट्स ऑफ मलाका नज़र आएगा, और बहुत अच्छा नज़ारा लगता है। सुबह का वक्त था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, एक बहुत ही सुकून माहौल था, बड़ा अच्छा लग रहा था वहाँ पे, वहाँ पर चलना फिरना, वहाँ की आबोहवा। ये अंदर से मेहराब का एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ पे अल्लाह ने मुझे नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाई और दुआ मांगी मैंने, बहुत पुरसकून माहौल था। फिर जब बाहर आया तो और भी और आसपास मस्जिद का जो कैंपस है वो देखने की कोशिश की मैंने। इसका कैंपस भी बहुत खूबसूरत है, आप चहलकदमी कर सकते हैं, बीच बीच में कहीं बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है, ये बेंचेस वगैरह भी हैं, बैठ सकते हैं। और एक वो आगे देखिए आप, मस्जिद सलात लिखा हुआ है वहाँ पे, फ़ोटो पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट कह लें, तो मेरे ख़्याल से टूरिस्ट के लिए उन्होंने बनाया होगा।
और अभी बिल्कुल देखिए स्टेट्स ऑफ मलाका यहाँ पे लिखा भी हुआ है बोर्ड पे, आप आगे जाके देखेंगे तो। और यहाँ से अलग अलग देखिए डायरेक्शंस दिया हुआ है, जकार्ता ऑस्ट्रेलिया, लंदन पैलेस्टाइन इंडिया, इस्तांबुल, और ये देखिए फ्लोटिंग मॉस्क। देखो जो फ्लोटिंग अपीयरेंस है ना, तो जब हाई टाइड होता है समुद्र में, जब हाई टाइड आता है तो द मॉस्क अपीयर्स टू बी फ्लोटिंग ऑन वाटर, गिविंग इट अ यूनिक एंड एन्चांटिंग एस्थेटिक। ये मस्जिद के बाहर की बिल्डिंग्स हैं, ये मस्जिद का आता है। अच्छा, मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है ये काफ़ी स्टनिंग है, मॉडर्न इस्लामिक आर्किटेक्चर, और इसको कंबाइन किया गया है मले डिज़ाइन एलिमेंट्स विद मिडल ईस्टर्न इन्फ्लुएंसेस। तो जैसा कि देखा आपने कि एक बड़ा सा डोम है मस्जिद के ऊपर, और वो डोम जो इन्वर्टेड सिल्वर अम्ब्रेला के तौर पे दिखाई देता है, और एक बहुत ही एक ऊंचा सा मीनार भी है, मीनार आपको दिख रहा होगा।